छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर। खबर जगदलपुर से है जहां पर नक्सलियों ने ग्रामीणों से शाहिद गुंडागर्दी गुंडा धुर का हवाला देते हुए सरकार और पुलिस का साथ न देने और नक्सल संगठन मजबूत करने के लिए नक्सलियों ने पर्चा जारी कर दिया है, जिसमें लिखा गया है कि ग्रामीण पुलिस की मुखबिरी न करें और न ही सरकार का साथ दें। जो ग्रामीण पुलिस की नौकरी कर रहे हैं वे वापस अपने गांव में आ जाएं। ऐसे ग्रामीणों के लिए नक्सलियों ने सरकारी पुनर्वास नीति की तरह नक्सल पुनर्वास नीति बनाई है। सीएम आवास में कांग्रेसी मंत्रियों और विधायकों ने 3 घंटे चली बैठक में लोकसभा चुनाव की हार के कारणों की समीक्षा की है। साथ ही हार के कारण नहीं मिल पाए बीजेपी के पक्ष में आए नतीजों और कांग्रेस नेताओं को ये नतीजे स्पष्ट नहीं रहे हैं। बैठक के बाद कांग्रेस के मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि 45 साल में ऐसा पहली बार है जब हार की वजह समझ नहीं आ रही। घर के सामने से बीजेपी की कितनी गाड़ियां जाती थी, बैंड बाजा बजता, लेकिन इस बार कोई माहौल नहीं था, कहीं मिठाइयां नहीं बढ़ रही। अब की बार 300 पार कहने के बाद कंधों पर दुनिया उठा लेनी चाहिए थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। जब उन्हीं लोगों को कुछ नहीं पता जीत गए तो हम भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या हुआ। कहीं मिठाइयां नहीं बट रही, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा शुरू कर दी है, लेकिन अंदर खाने की बात बाहर आने नहीं दी जा रही है। महासमुंद सीट के लोकसभा प्रत्याशी रहे धीरेन्द्र साहू ने जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा है कि बैठक में प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, हार की वजह भी बताई गई है, लेकिन ये पार्टी के अंदर का मामला है, इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। बैठक में उन्होंने विधायक दल की बैठक में समीक्षा किया, आज भी सभी प्रदेश कार्य समिति के सामने भी समीक्षा किया और अलग से भी हम लोगों से चर्चा हुई है। हम लोगों ने ऐसे जो कारण है जिसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, ऐसी भी जो बात होती है संगठन की, उस विषय में भी हम लोगों ने अवगत कराया है कि हार के और बहुत सारे कारणों में और भी जो कारण है जो सार्वजनिक रूप से किया जा सकता है, इसकी भी बातें हम लोगों ने कही। विधानसभा और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद साल के अंत में होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव की हलचलें बढ़ गई हैं। राज्य शासन ने सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों के परिसीमन के निर्देश जारी किए हैं। महासमुंद जिले में राज्य शासन के निर्देश के बाद परिसीमन की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति के बाद जिले के सभी नगरीय निकाय, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में 10 जून से परिसीमन का कार्य शुरू हो जाएगा। महासमुंद नगर पालिका, तुमगांव और बसना नगर पंचायत में परिसीमन नहीं होगा, शेष 2 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत में परिसीमन का काम होगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए बस्तर वासियों को जल्द ही नई सौगात मिलने वाली है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और काम का अधिकार के तर्ज पर जल्द ही स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया जा रहा है, जिसके तहत बस्तर वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो पाएगी। हाल ही में बस्तर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रेड टू हेल्थ स्कीम की शुरुआत बस्तर से किए जाने की घोषणा की है। काम का अधिकार, सूचना का अधिकार, उसी तरह से स्वास्थ्य का अधिकार, ये लागू करने की हमारी महत्वाकांक्षी सोच है। मुख्यमंत्री जी ने इसको बजट में प्रस्तुत भी कर दिया है। मरवाही क्षेत्र में बीते 7 दिनों से लगातार बढ़ती टाइफाइड बुखार के मरीजों की संख्या को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर समेत मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पीड़ित मरीजों से हालचाल उनका जाना है और स्थानीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी टाइफाइड बुखार से पीड़ित मरीजों के कंट्रोल में होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं जिला कलेक्टर बीमारी पर पर्दा डालते हुए पीड़ितों की वजह तेज धूप और गर्मी को बता रहे हैं। कि मलेरिया और टाइफाइड के कारण बीमारी हो रही है, कुछ जो आशंका का क्षेत्र दिख रहा है वो गर्मी, लू और उमस का मूल कारण है। टाइफाइड ज्यादा निकल रहा है अभी, तो मतलब 10 दिन के अंदर बुखार के, उसके गर्मी के कारण, लू के कारण हो सकता है बुखार, है ना, मलेरिया कम है।
धमतरी के मगरलोड थाने से गायब पिस्टल 1.5 साल बाद थाने के बाथरूम में रहस्यमय ढंग से मिल गई है। पुलिस ने जांच अब इसकी शुरू कर दी है। आपको बता दें जनवरी 2018 की गणना में ये पिस्टल गायब मिली थी। इसके बाद तत्कालीन एसपी राजेश सिंह ने इसकी जांच भी कराई थी। खबर जगदलपुर से है, जहां मामूली विवाद पर एक नाबालिग ने एक सामने खड़े युवक पर चाकू मार दिया। घटना अनुपमा चौक इतवारी बाजार की है, जहां नशे के आदि नाबालिग को एक युवक का घूरना इतना नागवार गुजरा कि उसने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से डिमरापाल अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक कांकेर का रहने वाला है, जो किसी काम से जगदलपुर आया हुआ था। पुलिस आरोपी को धर दबोचा है पुलिस ने। आरोपी पताशाही के दौरान आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली और एक संदेही का नाम सामने आया था, जिस पर संदेही को पता करने पर संदेही जो है अपचारी बालक मिला, जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया है। रामपुर जिले के रामनोजगंज थाना क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल ग्राम आरागाही में पीड़ित परिवार अपने घर में खाना बना रहा था, तभी उसके ही पड़ोस में रहने वाली उसकी बहन के बहू के मायके वालों ने पीड़ित महिला को लात घूंसों से जमकर पीटा और उसे जान से मारने की धमकी दिलाई। पीड़ित मदद की लगातार गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां खड़े लोग मारपीट का वीडियो बनाते रहे और महिला के बचाव में कोई नहीं आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में महज खाना पूर्ति ही नजर आ रही है। ये जो है हमारी बहन के पुतो है, तो देखिए हमारी हमारी कोई कमाई वाला नहीं है, कोई मर्द लोग घर में नहीं है। हम थोड़ा बहुत उसको घर में जाता है, इसीलिए बोलता है ये सब कुछ जाता है, यही करा रहा है, केस हमारे यही करा रहा है, यही से बोलता है हमको। हम तो देखिए अनाथ है, हमारी कोई नहीं है। तो अब उस दिन ना हमको ये पता नहीं था कि उन लोग हमारी घर में घुस के मारेगा। हम अंदर बैठ के गैया के खाना बना रहे थे और उन लोग का खाना झुक गया हमारे घर में। गाड़ी में आया था, आके उसके मारने लगा, डर के मारे भाग के चला गया दादा को बुलाने। हाँ। जो चलिए मारपीट हो रहा है, माँ को मार रही है, तो दादा आया। हम लोग बहुत लोग गुस्सा था, लड़का लोग भी गुस्सा। ईश्वरानी विश्वास को उसके बहन के बहू और उसके साथ चार अन्य महिलाएं मिलकर उसको रोड में बाल वगैरह पकड़ वगैरह खींच के गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट की है, उसमें उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। जशपुर जिले से सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनाने का मामला सामने आया है। मामला ग्राम पंचायत फरसा बहार का है, जहां एक पंचायत की महिला सचिव सुनीता भगत ने पत्थल चट्टान की सरकारी जमीन पर कब्जा कर बिना किसी डर के मकान बना लिया। बता दें महिला सचिव ने ग्राम पंचायत फरसा बहार के आश्रित मोहल्ला महीजोर में कब्जा कर भवन कर लिया और सरपंच ने मामले की शिकायत तहसीलदार से की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई करेगा, इसकी जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई है, तो तहसीलदार को मैंने निर्देशित कर दिया है, जाँच करके प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई करेगा। आईपीएल खत्म होते ही अब सटोरी वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचों का सट्टा खिलाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। वहीं सटोरियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस भी लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी को लेकर सिविल लाइन पुलिस ने वर्ल्ड कप में सट्टा खिलाते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कटोरा तालाब और महावीर नगर में छापामारी कार्रवाई करते हुए कपिल डोलानी और नितिन तोलानी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नगद 56,000 रुपये, कैश डायरी, कैलकुलेटर, एक एलईडी टीवी, 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। दोनों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लेकर सट्टा लिख रहा है, इस सूचना पर रेड किया गया था। मौके पर 56,000 रुपए नगद, 4 मोबाइल,
डायरी कैलकुलेटर वगैरह बरामद किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन पर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की। कोरबा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान रेलवे पुलिस ने यात्रियों को बताया कि कोच के अंदर चोरी, छेड़छाड़ या अन्य घटना होने पर तत्काल सूचित करें। इसके अलावा ट्रेन गुजरते समय बाइक चालकों द्वारा फाटक पार करने न करने पर भी सहाल रेलवे को दी गई है। और अब खबर धमतरी से है, जहां जिले में उमस भरी गर्मी और ऊपर से लगातार हो रही बिजली की कटौती ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हर एक दो घंटे में लाइट आकमिचौली करती है। बिजली गुल होने के बाद पता नहीं होता कि बिजली दोबारा कब आएगी। अघोषित बिजली कटौती से उमस भरी गर्मी से लोगों और बच्चों में काफी परेशानी देखी जा रही है। अभी हम लोग का एग्जाम चल रहा है, तो इतने गर्मी के दिनों में जब लाइट गोल हो जाता है तो हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होता है, और कूलर वगैरह भी हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारा चीज है जो हम लोग आजकल इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, तो फिर मोबाइल वगैरह भी चार्ज नहीं रहता है। लगातार अघोषित बिजली में कटौती होते जा रही है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र देखे चाहे शहरी क्षेत्र देखे, निरंतर लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज देखिए लगभग 44 डिग्री तापमान हो चुका है, और यदि बिजली 10 मिनट भी यदि चली जाती है तो लोगों को किस तरह कष्टों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब स्कूली विद्यार्थियों को कड़कती धूप में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। महासमुंद में शिक्षा विभाग ने इसके लिए पहल करते हुए स्कूलों में ही शिविर लगाने शुरू कर दिए हैं। जिले के हायर और हाई स्कूलों में पहले चरण में 4 से 15 जून तक शिविर का आयोजन होगा, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आपको बता दें, राज्य शासन के निर्देश पर इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 15 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहता है, 16 जून को रविवार है, इस वजह से 17 जून को नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होगी। 25 से 7 जुलाई तक दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इन शिविरों में राजस्व, शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास के साथ साथ नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी अपने सभी संबंधित अभिलेख के साथ मौजूद रहेंगे। ₹29,000 के आसपास जो बच्चे हैं उनको जाति सर्टिफिकेट बनाने का काम करना है, तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि इस सत्र में मैक्सिमम और कर देंगे। अब खबर रायपुर से है, जहां यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। इसमें पहली पेपर में परीक्षा में तो परीक्षार्थियों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दूसरे पेपर के दौरान परीक्षार्थी भटकते हुए नजर आए। हरवाई में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कलेक्टर संजय अलंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। टाइफाइड मलेरिया मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर कलेक्टर ने टीम बनाकर निरीक्षण किया है। पानी का सैंपल उसको जांच करके फिर दे देंगे, और ब्लड सैंपल भी लिया गया पेशेंट का, उसको पूरी जांच करके फिर उसको रिपोर्ट देकर पेशेंट का कंफर्म। मूल प्रॉब्लम जो है वो उमस और हीट स्ट्रोक है, ना कि टाइफाइड और मलेरिया। तो उसके बचाव के लिए चारों तरफ प्रचार प्रसार के लिए शिविरों की श्रृंखला शुरू की गई है। सभी जगह शिविर लगा के समझाया जा रहा है कि ORS का घोल लें, धूप में बाहर ना निकलें, दोपहर को बाहर ना निकलें, बचाव के जो जो उपाय हैं, जो SOPs आई हैं, उन सबको समझाया जा रहा है, और उसका फर्क भी पड़ना शुरू हो गया है। पानी की टेस्टिंग वगैरह कराई गई है, तो उसमें भी ऐसी कोई अनटूवर्ड चीज अभी पाई नहीं गई है। लोधाबाजार के बड़े भरसेला गांव का युवक युवराज 8 महीने से लापता था, और उसके माता पिता और पुलिस उसे तलाश कर रही थी, मगर अब उसका पता चल गया है। लापता युवराज बांग्लादेश की जेल में बंद है। बता दें कि युवराज किसी तरह बांग्लादेश की सीमा में पहुंच गया था, इसके बाद वहां की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में बंद कर दिया।
हालांकि विदेश मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से युवराज के भारतीय होने का प्रमाण पत्र मांगा है और इसके बाद युवराज को वापस हिंदुस्तान लाने की प्रक्रिया की जाएगी। आप मन लाश तक था लाने की कोशिश करा बांग्लादेश लड़का है अपन मोबाइल में अपन नंबर व फोटो भेजी भेजी से उनका बाद नहीं कहते तो लड़का है यही है सही है इसकी को हमने बोली अब यही फोटो दिखाई थे यही वो लड़का ऐसे बोले सर अब जिसे पता चल गया है बांग्लादेश हाँ बांग्लादेश कहाँ पे है आपका लड़का बांग्लादेश कुड़ीग्राम थाना बिंदौलपुर जिला ऐसे के थे बोली से साहब है इस बात की पुष्टि होकर जो गई है क्योंकि ये दूसरे देश के किसी जेल में बांग्लादेश के जेल में कैदी या बंदी बना हुआ है इसलिए इसमें भारत के विदेश मंत्रालय और दूतावास के माध्यम से उसको रिहा करके यहाँ लाया जाएगा। और अब खबर बिलासपुर से है जहां लुतरा शरीफ की दरगाह में हुई 30 लाख के शवल घोटाले के मामले में दरगाह की नई कमेटी ने कलेक्टर से शिकायत की है और मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पीडीएस दुकान के संचालक और कमेटी सदस्य अब्दुल शहनवाज मेमन पर गड़बड़ी का आरोप है। वहीं खाद्य अधिकारी ने मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें दरगाह की पुरानी कमेटी पर शासन की ओर से लंगर के लिए दिए जाने वाले चावल में घोटाले करने का आरोप है। जांच से ही पता चल पाएगा नहीं सोसाइटी को भंग करने का अधिकार अपने को नहीं है वो तो ARCS से संबंधित है सहकारिता से संबंधित है हम लोग जांच करके प्रतिवेदन देंगे बाकी समिति के ऊपर कार्रवाई तो उनके स्तर से होगी। बिलाईगढ़ में शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बिलाईगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल्हा का है जहाँ ग्रामीणों ने शौचालय की राशि गबन होने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसानों की माने तो दो साल बीत जाने के बाद भी सरपंच ने शौचालय निर्माण की राशि नहीं दी है साथ ही मामले में जनपद पंचायत सीईओ से भी मामले की शिकायत की है लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम पंचायत निवासी हमारे पास आए थे जिसकी सूचना हमने दे दी है हम अभी ये सूची तैयार करेंगे कि कितने व्यक्तियों ने SBM के तहत स्वयं से निर्माण किया था उन व्यक्तियों को हम राशि दिलाने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद बलौदाबाजार जिले में भी पुलिस वालों को साप्ताहिक अवकाश मिलने लगा है। अवकाश की खबर आते ही पुलिस कर्मियों में खुशी की लहर है। अवकाश मिलने पर थानों में पुलिस वालों ने एक दूसरे के मुंह में मिठाई खिलाई है और एक दूसरे के जमकर गले मिलकर खुशी का इजहार किया है। आपको बता दें पुलिस वालों की ड्यूटी 24 घंटे रहती है जिसके चलते वे अपना समय परिवार वालों को नहीं दे पाते लेकिन अब जब उन्हें अवकाश मिलने लगा है ऐसे में अब वे परिवार के साथ भी समय गुजार सकेंगे। फैमिली को दिन कहीं भी घुमा सकते हैं समय दे सकते हैं इस बात की खुशी है। पहले क्या कैसा लग रहा था पहले आपको छुट्टी नहीं मिलती थी माह में मिलता छुट्टी या नहीं तो दो माह तीन माह अच्छा लग रहा है हम लोग का टेंशन में रहते थे महीनों से हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता था अब छुट्टी मिल रहा है तो हम लोग को अच्छा लग रहा है और कम से कम परिवार को लेके एक दिन सप्ताह में घूमने फिरने का मौका मिले अच्छा लग रहा है हम लोग सब बहुत खुश हैं अपने अपने घर परिवार में कम से कम एक दिन बिता पाएंगे। क्या नाम है सरोज सप्ताहिक अवकाश की घोषणा हुई है सभी में हर्ष व्याप्त है और हम लोग जो अपने बच्चों से एक दिन मतलब उनको लेके घुमा फिरा नहीं पाते थे आज ये छुट्टी मिले थे हम एक दिन अपने परिवार को समय दे पाएंगे और इसमें रोस्टर के अनुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ही चार्ट आया है चार्ट के आधार पर जो चार्ट में है आज के डेट में उसको रवानगी दी जाएगी रात में जो मॉडल स्कूल कॉलोनी डोंडी के 40 शिक्षक परिवार पिछले 3 महीनों से पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन उक्त कॉलोनी की देखरेख करने का जिम्मा उठाने वाला संबंधित विभाग मूक दर्शक बना हुआ है।
बिलासपुर के देवरी खुर्द में पानी के लिए लोग रात भर जाग रहे हैं। खाने से ज्यादा पानी के लिए लोग परेशान हैं। कहीं पानी नहीं है, टैंकर के भरोसे पानी की व्यवस्था की जा रही है। लोगों ने पानी के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या नहीं सुनी गई तो आंदोलन किया जाएगा। और देवरी खुर्द के अंदर पानी के नाम से इतना खराब हाल है कि रात दिन वहां पानी के लिए हाहाकार मचा। जिस तालाब के पास से लोग गुजरने से डरते थे कि कहीं बीमार ना हो जाए, अब महज कुछ महीनों में उस तालाब के पास सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ मौज मस्ती करती दिखेगी। दरअसल आपामारा के काली तालाब के पास शहर का कचरा डंप होता था, लेकिन अब उस तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए करीब 3,14,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत तालाब को गहरा किया जा रहा है। निगम अफसरों का दावा है कि इस तालाब को कटोरा तालाब की तर्ज पर बनाया जाएगा। आपका दिन बदलने वाला है क्योंकि सौंदर्यीकरण के तहत इस तालाब को मरीन ड्राइव के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही 12 तालाब को डेवलप किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये कारी तालाब वो जगह है जहाँ पे शहर के ये तमाम कचरा को यहाँ इकट्ठा किया जाता था, जहाँ यहाँ से लोग गुजरने में ये दहशत में रहते थे, कहीं खुजली ना हो जाए, बदबू के मार से परेशान रहते थे, यहाँ से लोग गुजरने से कतराते थे। लेकिन निगम के प्लान है कि यहाँ पे लोग सैर करने आए, घूमने आए, इसके लिए मरीन ड्राइव के तर्ज पर इसको डेवलप किया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे साइट सुपरवाइजर और कुछ कर्मचारी हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे ये कितने दिनों से काम चल रहा है और क्या क्या डेवलपमेंट किया जाएगा। जी, तो यहाँ पे क्या क्या बनाया जाएगा और कितने दिनों से काम चल रहा है यहाँ पे? ये काम लगभग 10 महीने हो गया है। इसमें अपना नाली का काम हुआ है और तालाब सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। और अपने को इसमें तालाब सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसमें फुहारा जैसे और गार्डन हो गया, पेड़ पौधे, लोगों के आवागमन के लिए चहल पहल के लिए पाथवे बनना है। और क्या बनना है? और इसमें पार्किंग है और अपना चौपाटी वगैरह हो गया। इसको पूर्ण रूप के डेवलप होने में कितना समय लग सकता है, पूरा अपने अस्तित्व में आने? इसको लगभग वही 3-4 महीने में कंप्लीट करने का एक कोशिश है। अपना जो कॉन्ट्रैक्टर है तो 3-4 महीने में हो सकता है हो जाएगा, क्योंकि तालाब का कार्य जो होना था वो लगभग पूरा होने के कगार पे है। तो अपना खाली वही रह गया है, इसमें जो पिचिंग का काम है वो और अपना गार्डन है, घास लगना है, पेड़ पौधे, खाली वही कार्य बाकी है। तो इसमें अपना बारिश के साथ साथ बारिश के निपटते तक वही लगभग 1-8 महीने और लग जाएगा बारिश के बाद में। मरीन ड्राइव जैसे इसको बनाने की बात हो रही है तो क्या वैसा ये डेवलप हो पाएगा, क्योंकि सामने मार्केट है, तो क्या इनको हटाने का कोई प्लान है, क्या है? जी, इसको देखो, ये मरीन ड्राइव बनाना ही है तो इसमें एक ब्रेक वही अपना जो मटन मार्केट है, क्या तालाब सौंदर्यीकरण का काम है तो अपना ये सब इस जगह पे ये मार्केट वगैरह तो रहना नहीं चाहिए और इसको निगम वाले हटाने में ही लगे हुए हैं। जी, तो अभी यहाँ पे साइट सुपरवाइजर को आपने सुना, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दृश्य आपको दिखाए जहाँ पे ये काम जारी है, कि ये किस तरह से यहाँ पे पहले कचरा डंप यार्ड था जिसको हटाकर एक सौंदर्यीकरण तालाब बनाया जा रहा है, जहाँ पे लोगों को घूमने फिरने, मौज मस्ती, खाने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये नजारा आप देख रहे हैं अभी फिलहाल ये अपने अस्तित्व में नहीं है, यहाँ पे काम जारी है। कुछ ही दिनों में इसका बदला हुआ स्वरूप आपके सामने आएगा। जैसे तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव है, ठीक वैसे ही इसको अस्तित्व में लाया जाएगा और ठीक वही प्रयास की जा रही है। तो कैमरा में राहुल के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।